रहा है, ये रोटी अरवाटिया हो तो भी बहुत चिल्ला रहा है। नंदिनी व्यवहार आज स्टैंड के बच्चे होते आप पते वो कब सोचे। तोलू के पापा मिठाई लेते हुए तो अभी बज रहे हैं 11 और मैं हो गई हूँ रेडी हॉस्पिटल निकलने के लिए, क्योंकि अब वो टाइम लग रहा है शायद आ गया है, क्योंकि रात से ही मुझे थोड़े बहुत पेन हो रहे थे। रात में तो मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मा को भी नहीं बताया, और प्राण भी आ चुके हैं पर उन्हें मैंने नहीं बताया क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो अभी सुबह मैंने बताया सबको, फिर डॉक्टर से भी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि आ जाने को हॉस्पिटल चेकअप करेंगे, फिर देखेंगे जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से एडमिट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा, मतलब उस पेन के बारे में जो भी सुना है उसके हिसाब से तो बहुत डर लग रहा है कि बस भगवान हिम्मत दे और भगवान का नाम लेके चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है। और मैं कुछ जब तक सही रही, जब तक पॉसिबल हुआ तब तक मैं कोशिश करूँगी अपडेट करने की। तो भगवान का नाम लेते हैं और मिलते हैं हॉस्पिटल में। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि अच्छे से बेबी इस दुनिया में आ जाए और खूब पॉजिटिविटी के साथ हम घर आए। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और मिलते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल आके डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद एडमिट कर लिया गया था मुझे। उसके बाद एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया और फिर मेडिसिन वगैरह दी जाने लगी। मेरी तो अंदर से हालत ख़राब हो रही थी सोच सोच के, बहुत घबराहट हो रही थी, पर फिर भी मैं इधर उधर की बातों में अपना माइंड डाइवर्ट कर रही थी। और यहाँ मेडिसिन वगैरह देने के बाद, जो पानी चढ़ाने के बाद, पेन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था मुझे। और उसके बाद मुझे ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था। मम्मी लोग भी ऊपर आ गई थी और ओटी के बाहर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और मुझे बाद में पता चला कि मम्मी बाहर बैठ के रो भी रही थी मेरी आवाज़ सुन के। रो रहा है, ये रोटी अरवाटिया हो तो भी बहुत चिल्ला रहा है। नंदिनी व्यवहार आज स्टैंड के बच्चे होते आप पते वो कब सोचे। तोलू तोलू, अरे वाह देखो कितना छोटा सा।
सेल्फी का तो लो। मगर ये बात है दीदी, लड़की की रोने की आवाज लड़की में अंतर है। ये रोया तो हम बोले दीदी से बाहर तक आवाज आ रहा है ना, हम बोले धान हो गया, बस में हो गया। तोलू के पापा मिठाई लेना है, तोलू के पापा मिठाई लेते हुए। मामा दबा के मिठाई खाते हुए और ये पुष्पा दीदिया और ये छोना भी खाते हुए। वहां से गए पर ना हो, यहाँ आवे के हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है हमें और हम जा रहे हैं अपने घर, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपनी नन्ही सी जान के साथ। हॉस्पिटल के इतनी दौड़ भाग से टाइम निकाल के और मामू ने, बेचारे मामू ने अकेले अपने लाडले भांजे के लिए इतनी सारी तैयारियां करी हैं। तो
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बेबी के साथ।